नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बजट आया और हंगामा लाया, ये कहावत तो जैसे पुरानी हो गई है। हर बार जब बजट आता है तो विपक्षी पार्टियां अचानक से सुपर एक्टिव हो जाती हैं, अचानक से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी वही हुआ, लेकिन इस बार के आम बजट को पिछले बजटों के मुताबिक ज्यादा राहत वाला करार दिया गया। ऐसे में कांग्रेस ने तो इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट नाम दे दिया है और इसी आधार पर पूरा विपक्ष जुटा हुआ है सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने में। अब विपक्ष को बजट से खास मुद्दा नहीं मिला जिस पर वो सरकार को घेरती, इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों को इस बार अनदेखा कर दिया, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश की पार्टियां एनडीए में सहयोगी हैं। अब इसी बात पर आज राज्यसभा में हंगामा हो गया, देखिए ये रिपोर्ट। हर साल जब बजट आता है तो अपने साथ हंगामा लेकर आता है, आज आम बजट को लेकर संसद में जोरदार हंगामा देखा गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा, इस बजट में ना तमिलनाडु को कुछ मिला, ना कर्नाटक, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना उड़ीसा को कुछ मिला, किसी को खुश करने के लिए ये बजट है। खड़गे ने क्या कहा पहले तो वो सुनिए। कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया, तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम कंडम करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूं, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। वहीं जैसे ही खड़गे ने आरोप लगाया वैसे ही इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भड़क गईं और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया था। निर्मला सीतारमण बोली, हर बजट में आपको देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कैसे खड़गे को जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हैज बीन इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस कंट्री, दे प्रेजेंटेड सो मेनी डिफरेंट बजट्स एंड दे वुड नो क्लियरली दैट इन एवरी बजट यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नेम एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री। आई विल टेक दिस एग्जांपल। Between what on account which was presented on 1st February this year and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states, but let me take the example of Maharashtra for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadhavan
in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to two states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. And now that they have come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal, even the schemes, Chairman, sir, you should allow me to say this, even the schemes which nothing have been will allocated go on recorded, to don't Bengal, shout. Mr. Saket, sir, don't you lie. Asked me to no, speak. No, please don't shout. Don't you shout, have don't asked shout. Me to speak. This is not a shouting place. Is it a shouting place? देखा जाए तो इस बार शायद अनदेखा किए जाने की शिकायत यूपी को भी कहीं न कहीं होगी, क्योंकि इस बजट में यूपी को भी कुछ खास नहीं मिला। दरअसल यूपी में भाजपा 2014 में 71 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीती थी। इसका असर पिछले 10 साल के आम बजट में दिखता रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 33 सीटों पर सिमटी और इसका प्रभाव इस बार के बजट पर भी दिख रहा है। इस बार यूपी के लिए बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। आम बजट में यूपी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, हालांकि यूपी को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। देखा जाए तो बजट पर हंगामा होना तो तय था, मगर एक बात जरूर है कि विपक्ष भले बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दे, मगर बाकी कहीं न कहीं चुनावी परिणाम के बाद अचानक से बजट में पहली बार ज्यादा राहत लाना कहीं न कहीं डर की वजह को उजागर जरूर कर रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।